फाइव क्लास की स्टूडेंट हूँ। ये 5 to 11 तक ओपन रहते हैं। मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ, मैंने 7 to 1 स्कूल होती हूँ और आके रेस्ट करके होमवर्क कंप्लीट करके 5 to 11 अपने स्टॉल पे आ जाती हूँ। इसका आइडिया मम्मा ने मैंने मम्मा को कहा, मम्मा हम चैनल चार्ट लगाते हैं, पापा की डेथ होगी तो घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने फिर सोच के लगाया। हम 4 sisters and 1 brother हैं। मेरे फादर की डेथ हो गई है, वाले साहब की डेथ हुई और मेरे बेटे की डेथ हुई ना, तीसरा साल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होसन फालिया का। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं आज मैं अरूज फूड पॉइंट पे मौजूद हूँ। मेरे साथ ये जो बच्ची 11 साल की बच्ची है, इसकी उम्र ये पढ़ने की, खेलने की और इंजॉय करने की उम्र है, लेकिन उसके बावजूद ये इस टाइम स्टॉल पर खड़ी है। ये रात का टाइम है, ये यहाँ पर काम कर रही है, ये मेहनत कर रही है। इसे पूछते हैं ऐसी क्या वजह पेश आई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसको खुद निकल के ये काम करना पड़ा, ना कि इसकी फैमिली में से कोई और करे, कोई बड़ा बहन भाई या इसकी मामा पापा कोई भी, बल्कि ये खुद निकल के ये काम कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा अरूज, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा 5 क्लास की स्टूडेंट हो, कितने टाइम पर आप यहाँ पर आती है, इसको किस टाइम पर ओपन करती हो? ये 5 to 11 तक ओपन रहते हैं। तो मॉर्निंग में क्या करती हो? मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ। अपना स्कूल को और इसको साथ साथ कैसे मैनेज कर रही हो? मैंने 7 to 1 स्कूल होती हूँ और आके रेस्ट करके होमवर्क कंप्लीट करके 5 to 11 अपने स्टॉल पे आ जाती हूँ। अपनी स्टडीज़ को कैसे टाइम दे रही हो, ये स्टडी और ये साथ इजीली मैनेज हो रहा है? हाँ जी, मैं साथ साथ कर रही हूँ, अपना टेस्ट हो रहे हमारे वो भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ याद, और साथ साथ ये भी चला रही हूँ। तो मुझे ये बताओ इसका आइडिया आपको कैसे आया? इसका आइडिया मम्मा ने मैंने मम्मा को कहा, मम्मा हम चैनल चार्ट लगाते हैं, पापा की डेथ होगी तो घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने फिर सोच के लगाया। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 sisters and 1 brother हैं। सब आपसे छोटे हैं? मुझसे बड़े हैं और भाई बस छोटा। अच्छा, तो बाकी सिस्टर्स क्या करती हैं? बाकी सारे पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ आपके पापा क्या करते हैं? मेरे फादर की डेथ हो गई है। कितनी देर पहले हुई थी? उनकी डेथ 2019 में हुई थी। क्या करते थे वो? वो कंपनी में जॉब करते थे। अच्छा, वो जॉब करते थे। तो आप मुझे ये बताओ अभी यहाँ से आप आपने ये ऐसे ही ये वाला जो सेटअप अभी आपने ऐसे ही स्टार्ट लिया था या आपने किसी और चीज़ से स्टार्ट लिया था? ये पहले हमने टेबल से स्टार्ट किया था और फिर ये स्टॉल आया। तो जब यहाँ पे आपके पास लोग आते हैं, लोग क्या कहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं? जी, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आपका आगे क्या माइंडसेट है? अगर अभी आपका ये स्टॉल बहुत अच्छे से चल रहा है, तो जब फर्दर आगे ये बहुत अच्छा चलता है तो आप ज़्यादा अर्निंग होने लग जाती है या आपको कोई और सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है कुछ भी, आप इसको आगे मज़ीद बढ़ाओगी, इसी काम को कंटिन्यू रखोगी या छोड़ दोगी? इस काम को मैं कंटिन्यू रखूँगी, इंशाल्लाह एंड तक लेके जाऊँगी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि आपको स्टॉल लगाना चाहिए, आपको खुद निकल के काम करना चाहिए, ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आई थी? क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने स्टॉल लगाना शुरू किया। तो जो आप इससे अर्न कर रहे हो उससे क्या सब कुछ, आपने बताया कि आपके बहन भाई पढ़ भी रहे हैं और जो घर है वो आपका रेंट का ही अपना है? घर मेरे फादर के बॉस ने हमें 2 years के लिए दिया था, जिसमें से अब 6 months रह गए, वो मंथली हमें 15,000 भी भेजते हैं। अच्छा, वो आपको भेजते हैं तो मतलब 6 months के बाद घर आपका नहीं है? नहीं, लेकिन हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो हमें इस घर में वो रहने देंगे। अच्छा, तो मुझे फिर आप उसके बाद आप मुझे ये बताओ कितना आप इससे जो अर्न कर रहे हो उससे सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका खाना पीना सब कुछ आप लोग 3 times से खा रहे हो, सब कुछ ईजीली हो रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मामा भी आपकी यही कहती हैं? हाँ जी। पापा क्या कहते थे? उनसे हमने कभी मैंने पूछा नहीं कि आप कौन सी जॉब करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ आपको किस चीज़ ने इतना मोटिवेट किया कि आप खुद निकल के काम करो? आपने बताया आपकी बड़ी सिस्टर्स भी हैं लेकिन आप खुद निकले, अपनी मामा के साथ आप काम करें, किस चीज़ ने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया? मेरे जब घर के हालात ख़राब हुए तो मम्मा काफ़ी परेशान होने लग पड़ी, फिर हमने डिसाइड किया कि हमें एक स्टॉल लगाना चाहिए, फिर हमने एक स्टॉल लगाना शुरू किया। आप मुझे ये बताओ
आप यहाँ इस स्टडी को भी मैनेज कर रही हो, इसको भी कर रही हो, तो जो स्टडी है क्या वो आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही इसकी वजह से? नहीं, मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और एंड तक इंशाल्लाह बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो यहाँ इस स्टॉल पे आप क्या क्या चीज़ें सेल करते हो? मैं चना चाट सेल करती हूँ, क्रीम चाट सेल करती हूँ, चाय, ग्रीन टी और सूप सेल करती हूँ। तो ये जो सब चीज़ें आप सेल करते हो, इनकी प्राइसेस क्या क्या? अब जो चना चाट है वो आप कितने की दे रही हो, छोटी या बड़ी प्लेट कुछ ऐसा है? स्मॉल 50 का है, बिग 100 का, उससे लार्ज 150 का है। और सूप की प्राइस 100, 150 और 180 है, और क्रीम चाट की 100, 200 और 150। तो कितना क्राउड होता है यहाँ पे लोगों का, जब लोग आते हैं आपको अप्रिशिएट भी करते हैं आपने बताया? इसका मम्मा सारा करती हैं काउंट, मम्मा मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर देती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ बनाता कौन है? ये मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर्स रेडी करती हैं। तो आप ये सब कुछ रात को बना के रखते हो? नहीं, ये सुबह बिल्कुल फ्रेश रेडी करते हैं साथ साथ, जैसे ये अब ख़त्म होने वाला न्यू रेडी करेंगे। मीन्स अभी ये ख़त्म होगा और जो भी है सब कुछ फ्रेश बना के देते हैं? आप बनाती हैं सारा? जी मैं बनाती हूँ और मेरी बेटी। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो आपने बताया कि डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर रहे हो आप ये वाली चीज़ें, तो इसके अलावा मॉर्निंग में क्या आप इसको नहीं ओपन करते? नहीं, मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ क्योंकि शाम को ही फिर टाइम मिलता है जो मैं आके अपने स्टॉल पे करती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, आपका जब से ये स्टोरीज भी काफ़ी जगह पे लगी, आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक आपको किस तरह से अप्रिशिएट किया, कोई हेल्प की अभी तक, कोई आया आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से? उन्होंने हमें 3 लाख कैश दिया था और उसके बाद वो आए हैं, उन्होंने पेपर्स गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आए हैं लोग, उन्होंने मम्मा के साथ पेपर पे पिक्चर्स ले लिए, बाद में उन्होंने हमें नोट्स दिया कि आप पढ़ लें, जब हमने पढ़े हैं तो वो आया की जॉब थी और अगर वो जॉब करेंगे तो हमें फ्लैट रहने के लिए उन्होंने कहा था देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मा जाके हॉस्पिटल में सफाई वगैरह करे, उससे कई गुना अच्छा हम अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया वो इस चीज़ पे किया, उन्होंने कहा कि अगर ये वो आया कि जॉब करती हैं तो घर देंगे, उसके अदरवाइज वो नहीं देंगे? इसी तरह ही बिल्कुल। आपने वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की? मेरे बच्चे ने इस तरह काम करना, वो पोचे वगैरह लगाने तो हज़ारा कोट के हैं इधर हमारे पास, तो हम कर सकते हैं, मगर हमारे बेटे ये नहीं चाहते। आप इसी काम को करेंगी? इसी काम को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी काम को भी बरकत पाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपकी बेटी ने आपको ये आइडिया दिया था या आपने खुद उसको कहा कि वो ये काम करे? बच्चा जिस वक्त बंदे थे हालात थोड़े ख़राब हो जाए ना, खुद व खुद ही जेन में चो इंसान दिया मिसाल, ये काम कर लो, ये काम कर लो, और जब इन्होंने वालिद साहब की डेथ हुई और मेरे बेटे की डेथ हुई ना, तो हम कोई बेटा भी फोत हो चुका है, 3rd साल है। अच्छा, वो छोटा था या बड़ा था? बड़ा था। वो क्या करता था? बार निकलो। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी खुद निकलती है, आपकी मदद करती है, सारा खर्चा उठा रही है, वो खुद काम करी, पढ़ भी रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? खुदा का शुक्र अदा करूँ, हाल भी चला ताला का शुक्र है। तो आप गवर्नमेंट वालों को क्या कहना चाहेंगी, उन्होंने जो आपको बोला कि जो आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप ये करें लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप उनको क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या आपको मजीद की उम्मीद है वो कोई मदद करेंगे? उम्मीद सबसे पहले अल्लाह ताला से रखनी चाहिए, जो अल्लाह ताला करेगा ना बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जो साड़ी किस्मत विच है वो आना ही आना, जो साड़ी किस्मत विच है नहीं, चाहे असी चार हाथ पैर भी लगा भी साड़ा कुछ नहीं आना, जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो ही आना। कभी किसी रिश्तेदार ने या किसी ने आपकी हेल्प की, आपने बताया जब इनके बाबा की डेथ हो गई? रिश्तेदार ख़त्म हो गए, किसी ने कभी भी हेल्प नहीं की है? तो कभी यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो शुरू में आए उन्होंने आके देखा सब कुछ, ये स्टॉल तो आपने अभी इस तरह से लगाया ना, किसी बंदे ने भी आपकी कोई वैसे हेल्प नहीं की? नहीं, बाद भी चोन की तेने जी, जो भी किया आप लोगों ने ये खुद ही किया जी, और जो रेड़ी वगैरह है ये अमाम ने हमारी मदद की है, हमें लगाई है, पहले छोटा जहा टेबल होता, 4 कुर्सियाँ और टेबल छोटा जहते तो हम लगाते थे, किलो डेढ़ जो चने वगैरह होते थे और किलो डेढ़ आलू कर लो नाल प्याज कर लो, बस थोड़ा बहुत ही सामान असी जो इधर रखते थे, फिर चलो और नहीं तो 500-600 ही निकल आसी, बचे का खर्चा था निकल आसी, कभी सेल होते थे कभी नहीं सेल होते थे। अब क्या हालात हैं? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र गुजार हूँ। तो अब आप जितना यहाँ से कमा रही हैं क्या उससे गुजारा हो रहा है, सही से हो रहा है? अल्लाह ताला का शुक्र है, बस अल्लाह ताला इनको घर दे दे, बच्चियाँ महफूज हो गए,
हुकूमत से यही मेरी दरख्वास्त है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जमीन घर वगैरह सब कुछ इतने ही छाड़ जाड़े। तो मेरे एक साल में दो गए बाप बेटा, बेटा भी मैं जवान खोए और अपना मियाँ वगैरह बच्चे के वालदैन भी खोए हैं। तो एक साल में एक पत्नी के हो गया इंसान नाल। तो मेरे भी ये ख्याल है कि चलो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल मेरे ना कोई मसला मसाइल इस तरह का बन जाता तो बच्चे का अल्लाह तो सिवाय इनांदा कोई नहीं है। चलो इनांदी इस तरह कोई अल्लाह ताला इनको घर दे दे, बच्चे जिस जगह पर भी रहें महफूज रहें और बेसमझ बच्चे हैं। अच्छा, तो उसके अलावा आप मुझे ये बताएं, आप अरूज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो खुद निकल रही है, वो काम कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत फख्र है मैंने अपनी बेटी पर। बच्चे मिसाल सब कुछ माँ प्यो जो कुछ भी समझेंदे सी ये समझेंदे सी कि जो कुछ भी है बेटे, मगर नहीं, बेटियां भी बेटे बढ़ के दिखा सकते हैं। आपका बेटा बनके सपोर्ट कर रही है? जी, सपोर्ट कर रही है। जी नाजरीन, आपने जानी इस फूड पॉइंट की कहानी, इसके पीछे की क्या कहानी थी। अरूज ने बताया वो क्या करना चाहती है और वो ये सब क्यों कर रही हैं। ये हमारे साथ उनकी वालदा भी मौजूद थी, उन्होंने भी बताया क्या हालात हैं। बहुत अच्छी बात है कि कुछ और करने की बजाय बंदा खुद निकले, मेहनत से अपना काम करे। इंशाल्लाह किसी अगली कहानी में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।